आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकरकरा के बारे में। अकरकरा का स्वरूप कैसा होता है, इसके रासायनिक विश्लेषण, गुण, दोष, उपयोग और इसके प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि अकरकरा आदि बटी किस प्रकार बनाते हैं, रतिवर्धक लेप, संतान विग्रह लेप, टिंचर ऑफ पराथीनियम, उपदंश नाशक गोली, अकरकरा का तेल, अकरकरा चूर्ण, जादू का लेप और प्रतिनिधि और इसका उपयोग करने में कौन सी सावधानियां वर्तनी चाहिए, यदि चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी अकरकरा के पौधे के बारे में। इसका बॉटनिकल नाम एर्नियाकुलिस पृथिरा है और इसको अंग्रेजी में पैलीट्रू रूट, संस्कृत में अकरकरा रंभ, अकरकरा तंब, हिंदी में अकरकरा, गुजराती में अकरकारो, मराठी में अकलकरा, बंगाली में अकरकरा, अरबी में हहिनका, अब्दुल कलाई, पंजाबी में अकरकरा आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब इस औषधि का वर्णन कहाँ मिलता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये अरब और भारतवर्ष की प्रसिद्ध बूटी है। पूर्वकालीन चरक, श्रुषिता, वाग्भट आदि प्रमाणिक ग्रंथों में इस बूटी का उल्लेख नहीं मिलता, मगर मध्यकालीन ग्रंथ जैसे भाग प्रकाश, शंकधर आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि भारतवर्ष में इस औषधि का ज्ञान यूनानी हकीमों द्वारा प्रचलित हुआ है। यूनानी हकीम डाइसोकोराडिक्स ने पारेथीनियम के नाम से इस औषधि का वर्णन किया है। इस शब्द से लैटिन के पारे प्राई थ्रम शब्द की उत्पत्ति होती है। भारतवर्ष में दो प्रकार की प्रजातियों के अकरकरा पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु की प्रथम फुहारे पड़ते ही इसके छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू कर देते हैं। इसकी जड़ का स्वाद चरपरा और मुंह में चबाने से गर्मी महसूस होती है तथा जिभा जलने लगती है। गुणधर्म में अरब से आयात औषधि अधिक वीर्यवान होती है। ये झाड़ीदार रोएदार होता है, कांड पर ग्रंथियां होती हैं। इसकी मूल 3 से 4 इंच लंबा, आधा इंच मोटा, पुष्प सफ़ेद, बैंगनी और पीले रंग के होते हैं। इसकी शाखाएं, पत्र और पुष्प सफ़ेद बबूने के समान होते हैं, परंतु इसकी डंठल पोली होती है। महाराष्ट्र में इसकी डंडी का अचार और साग बनाकर खाया जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार अकरकरा उष्ण वीर्य वलकारक, चरपरा और सूजन वात जुखाम को नष्ट करने वाला होता है। यूनानी मतानुसार इसे दूसरे दर्जे का रुक्ष और गर्म मानते हैं। कोई इसे तीसरे दर्जे का शांत और चौथे दर्जे का खुश्क मानते हैं। किसी के मतानुसार ये तीसरे और चौथे दर्जे में शीत है। फेफड़ों के ऊपर इस औषधि का प्रभाव हानिकारक होता है। इसका उपयोग स्नायु रोग, ज्ञान तंतुओं के ऊपर इस औषधि का अच्छा असर होता है, जिसके फलस्वरूप ये औषधि पक्षाघात, आर्द्रता, मुखालकवा इत्यादि स्नायु जाल के संबंधित रखने वाली व्याधियों पर अच्छा लाभ पहुंचाती है। रूमी मस्तकी के साथ इस औषधि को चबाने से दूषित दोषों से पैदा हुई मिर्गी मिटती है। इन औषधियों में वातनाशक गुण भी काफ़ी मात्रा में मौजूद है। इसके फलस्वरूप संधिवात, शून्यवात, वात जनित मस्तक रोग, पुट्ठे का दर्द, कुबड़ापन, गर्दन की जकड़न, जोड़ों में दर्द इत्यादि वात व्याधियों पर जैतून के तेल के साथ पीसकर मालिश करने से अच्छा लाभ पहुंचाता है। मंद बुद्धि, अकरकरा और ब्रह्मी समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं। इसको आधा चम्मच नियमित सेवन करने से बुद्धि तीव्र होती है। इसकी जड़ का चूर्ण काली मिर्च व मधु के साथ 1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर आप जीवा पर मलने से जीवा का सूखापन या जकड़ता दूर होकर हकलाना तुतलाना कम होता है। इसका प्रयोग आप 4 से 6 सप्ताह प्रयोग कर सकते हैं। दांत में दर्द होने पर आप अकरकरा कपूर दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर मंजन करने से आपके सभी प्रकार के दांत दर्द मिटते हैं।
मुंह में दुर्गंध आने पर अकरकरा, माजूफल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च, सेंधा नमक सभी को बराबर मात्रा में बारीक पीस लें। इसका मिश्रण प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी प्रकार के दुर्गंध दूर होती है। हिचकी आने पर आप इसके पाउडर को 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटते हैं तो हिचकी पर आपको चमत्कारी असर दिखाई देता है। इसमें पसीना लाने वाला भी गुण होता है। इसकी जड़ का चूर्ण आप जैतून के तेल के साथ मिलाकर आप मालिश करते हैं तो आपको पसीना आकर बुखार उतर जाता है। मासिक धर्म में आप इस अकरकरा के जड़ का 100 मिलीग्राम क्वाथ सुबह शाम पीने से आपके मासिक धर्म ठीक होने लगते हैं। पक्षाघात या पैरालाइज होने पर अकरकरा की जड़ को बारीक पीस कर महुए के तेल में मिलाकर मालिश करने से आपको पक्षाघात में लाभ पहुँचता है। सियाटिका, जिसको हम गृहदशी भी बोलते हैं, तो इसमें अकरकरा की जड़ का चूर्ण अखरोट के तेल में मिलाकर मालिश करने से गृहदशी या सियाटिका मिटती है। खांसी के ऊपर भी ये औषधि अच्छा फायदा करती है। इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से पुरानी खांसी मिटती है। इसी प्रकार इसके बारीक चूर्ण को सूंघने से आपकी जो नाक बंद है वो भी खुल जाती है और आपको श्वसन अवरोध दूर होता है। वीर्य संबंधी रोगों में ये औषधि भिन्न भिन्न औषधियों के साथ लेने से वीर्य वृद्धि, काम उत्तेजक, स्तंभन में अद्भुत फायदा दिखलाती है, मगर इस औषधि का लाभ ठंडी प्रकृति वालों को ही अधिक मिलता है। इस प्रकार इसके तेल को ब्रह्मचर्य की तरह पुरुष इंद्री पर मालिश करने से काम शक्ति प्रबल होती है। इस अकरकरा का प्रयोग आप और भी तरह कर सकते हैं, जैसे कि मिर्गी नाशक सूंघनी। इसको बनाने के लिए आपको अकरकरा 1 तोला, इंद्रायण की जड़ 6 मासे, नौशादर 6 मासे, त्याई जीरा 6 मासे, कुटकी 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, इन सब औषधियों का चूर्ण प्रतिदिन सवेरे और शाम सूंघने से संचित दोषों को दूर कर मिर्गी नष्ट करता है। अकरकरा आदि वटी, इसको बनाने के लिए आपको अकरकरा 4 भाग, जायफल 3 भाग, लौंग 2 भाग, दालचीनी 3 भाग, पीपल मूल 2 भाग, केसर 2 भाग, अफीम 1 भाग, भांग 4 भाग, मुलेठी 4 भाग, आंकड़े की छाल 5 भाग, बायोविंडांग 3 भाग, इन सब का चूर्ण करके उसमें 5 भाग शहद और शेष पानी मिलाकर घोट कर आधी रत्ती से लेकर 2.5 रत्ती तक की गोलियां बनाएं। ये गोलियां बच्चों के दांत निकलते समय उपद्रव, अतिसार, उदरशूल, बमन आदि में हितकारी होती है। आप रतिवर्धक लेप भी बना सकते हैं। जायफल, वच, मालकांगनी, अकरकरा, विंशन कपूर, जायवित्री, लौंग, ये सभी 1-1 भाग और रेगमाही 5 भाग लेकर बारीक चूर्ण कर कपड़े से छान लिया जाए। फिर उसमें बढ़िया गुलाब का इत्र 1 भाग डालकर शीशी में भरकर रख लें। कामोद्दीपन के लिए इस औषधि का शहद के साथ पुरुष इंद्रिया पर लेप किया जाता है। संतान निग्रह लेप बनाने के लिए आपको पारा, गंधक, अकरकरा, लौंग, कपूर, टनकखार, इन सब वस्तुओं का आप अंजन के समान बारीक चूर्ण कर लें। समागमन के पूर्व शहद के साथ लेपन करने से गर्भ स्थित नहीं होता है, या कह सकते हैं कि गर्भ नहीं ठहरता है। उपदंश नाशक गोली, भाव प्रकाश के अनुसार शुद्ध पारा 1/2 तोला, खैर का चूर्ण 1/2 तोला, अकरकरा का चूर्ण 1/2 तोला, इन सबको कूट छान कर बनाई गोलियां जल के साथ लेने से फिगर रोग या उपदंश नष्ट होता है। अकरकरा का तेल, इसको बनाने के लिए आप 1 छटाक भर अकरकरे का चूर्ण कर लें। उसे 2 शेर पानी के साथ औटाना चाहिए। जब 1/4 पानी शेष रह जाए तब उसमें मसल कर छान कर 10 रुपये भर शुद्ध काली तिल का तेल में डालकर मंद अग्नि पर औटाना चाहिए। जब पानी का भाग जलकर शेष तेल बच जाए उसे आप ठंडा करके शीशी में भर लें। इस तेल का उपयोग सभी प्रकार की सर्दी और खांसी पर दूर करता है। अकरकरा आदि चूर्ण, इसको बनाने के लिए आपको अकरकरा, सेंधा नमक, चित्रक, आंवला, अजवाइन और हरेड़, ये सब 1-1 तोला
और सौंठ 2 तोला, इन सब का कपट छान चूर्ण करके उसमें नींबू के रस में भावना देनी चाहिए। यह चूर्ण सुबह शाम 3-3 माह से लेने से पीनस, मिर्गी, उम्दा, खांसी, श्वास, मंदगनी, आरुचि आदि व्याधियों में लाभ पहुंचाता है। जादू का योग मैजिक। अकरकरे को नौसादर के साथ पीसकर तलु और मुंह में खूब रगड़ने से मुंह में ऐसी शून्यता उत्पन्न होती है कि यदि मुंह में अंगारे भी भर दिए जाएं तो नहीं जलता है। कई बाजीगर लोग इसी प्रयोग से मुंह में अंगारे भरने के अद्भुत खेल दिखलाते हैं। जिगर के रोगों की चिकित्सा करने के लिए अकरकरा के अभाव में आप पीपर और शहद ले सकते हैं, और अमाशय के रोग में अगर अकरकरा आपको ना मिले तो आप रसना और अगर ले सकते हैं। अकरकरे का दर्प नष्ट करने के लिए आपको मुनक्का और गोंद कतीरा का प्रयोग कर सकते हैं। योग्य मात्रा में देने से जहां औषधि अनेक प्रकार के दिव्य लाभ पहुंचाती है, वहीं अधिक मात्रा में देने से आंतों में जलन या दाह उत्पन्न करके खूनी दस्त इत्यादि उपद्रवों को पैदा करती है, इसलिए इसका उचित मात्रा में ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस अकरकरा की जानकारी से आप लाभ उठाएं और इस जानकारी को आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो इस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।